हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी मध्य प्रदेश का इतिहास एक परिदृश्य देखा था। इसमें बात करेंगे हम लोग खेल परिदृश्य के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं उनके सभी आपको एक जगह लेक्चर मिल जाएंगे। वो है आपकी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे खेल परिदृश्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राजकीय खेल मध्य प्रदेश का क्या है, मलखम। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम। राज्य खेलकूद एवं युवा युवक कल्याण विभाग का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1975 को। राजकीय खेल क्या है, मलखम। राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1975 को। राज्य का पहला क्लब क्रिकेट कौन सा था, ये था आपका पारसी क्लब। कब हुआ, 1890 में इंदौर में बना था पारसी क्लब। 1890 में इंदौर में बना था पहला क्रिकेट क्लब है। जाल गोदरेज को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। जाल गोदरेज को ग्रेट बॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। राज्य में एकमात्र हॉकी छात्रावास आपका नरसिंहपुर में है। असलम शेर खां हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जो बैतूल से सांसद बने। उनकी पुस्तक का नाम है टू हेल विद हॉकी। तो आपको याद रखना है असलम शेर खां आपके हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, ये बैतूल से सांसद भी रहे और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, टू हेल विद हॉकी। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में हुई जबलपुर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में जबलपुर में हुई। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण राज्य में प्रमुख खेल संस्था है। राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है आपका नेशनल कैडेट कोर NCC। इसके राज्य में 6 मुख्यालय हैं, कौन कौन से, इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा का सैनिक स्कूल। फिर से बता देता हूँ, इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा का सैनिक स्कूल 6 हैं, ठीक। युवक मंडल वर्ष 1983-84 से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु युवक मंडलों का गठन किया गया है। बात करते हैं पाय का योजना, कौन सा, पाय का योजना। ग्रामों में खेल अधोसंरचना का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद समाप्त कर इसके स्थान पर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण MPSA का गठन 13 जून 2011 को किया गया। इसके अध्यक्ष होते हैं खेल मंत्री, मुख्यालय इसका भोपाल में। बात करते हैं किसके बारे में, नेहरू युवा केंद्र। केंद्रीय योजना अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र राज्य के कई जिलों में क्रियाशील रहे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा शक्ति का विकास करना है। योजना के आरंभ में प्रदेश के 13 जिलों में नेहरू युवा केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें 2 आपके छत्तीसगढ़ में हैं, वर्तमान में 19 आपके युवा केंद्र मध्य प्रदेश में हैं। ये जिले इस प्रकार हैं, देवास, बैतूल, सीहोर, जबलपुर, छतरपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, शाजापुर, शिवपुरी, झाबुआ, इंदौर तथा धास। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा अन्य केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं जो सीधी, मंडला, सागर, खरगोन, रीवा, उज्जैन व भोपाल में है। युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास प्राधिकरण संस्थान आपका पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में स्थित इस संस्थान की स्थापना 14 दिसंबर 1980 को की गई थी। किसकी, युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की, जो आपका पचमढ़ी में है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश को 2 स्वर्ण 3 कांस्य पदक मिले थे जो केरल में आयोजित हुए थे 35वें।
ठीक है, ये पुराने हो गए इसलिए कोई जो नए आए हुए हैं। वैसे ही हम लोगों ने 2019 का पूरा करंट अफेयर्स देखा हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देख लें। ठीक है, आगे बात करते हैं रानी रानी ताल में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केंद्र है तथा 9 केंद्र विधाओं का कोचिंग सेंटर भी। याद रखिए जो करंट अफेयर्स से जुड़ने लायक पॉइंट होते हैं उन्हें आप लोग करंट से जुड़े रहिए, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्थायी रूप से हैं, जो नहीं बदलने वाले, उन्हें आप रट लीजिए, फिर चाहे याद कर लीजिए। जबलपुर स्थित रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम और साइकिलिंग बेलोड्रम की नींव 1999 में कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई थी। जैसे आपका ये जबलपुर स्थित रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम और साइकिलिंग बेलोड्रम की नींव 1999 में रखी गई थी। अब ये कोई बदलने वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो स्थायी है मतलब स्थायी है। साई का मध्य क्षेत्रीय केंद्र गोरागांव भोपाल में बनाया गया और धार में सब सेंटर इसका बनाया गया है। विदेश का एकमात्र बालक वॉलीबॉल हॉस्टल नरसिंहपुर में सन 2000 में आरंभ हुआ। इसकी क्षमता है 22 खिलाड़ियों की। राजधानी इसकी भोपाल में है, राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश शासन खेल विभाग की 13 अकादमियाँ 2005 से संचालित हैं। केंद्रीय खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में देश की पहली मलखम्ब अकादमी खोलने की घोषणा की है। यहाँ सबसे पहले आपको क्या रखना है, धार्मिक नगरी किसे कहते हैं, उज्जैन को। मध्य प्रदेश में उज्जैन में आपकी मलखम्ब अकादमी खुल चुकी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। अब तक सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच खेले गए इसमें। सबसे पहले याद रखना है कि नेहरू स्टेडियम कहाँ है आपका, इंदौर में। पहला मैच इसमें 1 दिसंबर 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। कब, 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। 1981 में अलग से खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने स्कूल में एक पीडियर खेल के लिए अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश की दुधिया रोशनी से युक्त पहला स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में। अब इंदौर में भी एक स्टेडियम ऐसा है। भोपाल स्थित तात्या टोपी स्टेडियम खेल संग्रहालय बनाया गया। तो याद रखना तात्या टोपी स्टेडियम कहाँ है, भोपाल में। किंतिम घास एस्ट्रोटर्फ वाला एकमात्र स्टेडियम आपका ऐशबाग भोपाल में। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में बनी। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनी, 1989 में लागू की गई। मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2005 की अपनी नवीन खेल नीति में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही रजत पदक विजेता को 30 लाख और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख, ये बदलती रहती है, इसे आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद पटियाला के सहयोग से मध्य प्रदेश भोपाल में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जबकि इंदौर जबलपुर ग्वालियर सागर व उज्जैन में उप प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के खेल संस्थान में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय प्रदेश के जबलपुर नगर में, याद रखना। वर्तमान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्ण नाम होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था, जो 1941 में सीके नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंत राव होलकर ने गठित किया था। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी लतीफ अनवर बाद में पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान बने, जबकि असलम शेर खान बैतूल के सांसद बने। संजय जगदाले राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश इंदौर के क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया है। किसने, कैप्टन मुश्ताक अली ने। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय की स्थापना आपकी सीहोर नगर में की गई, जबकि शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय आपका ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में कर्नल डेली के नाम से डेली शील्ड टूर्नामेंट आरंभ हुआ, जबकि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में 1934 में हुई। कबीर आसारी मध्य प्रदेश हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं।
इसी तरह VS कपाड़िया बैडमिंटन, जाल गोदरेज टेबल टेनिस, अशोक जगदाले क्रिकेट के मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र खेल पुरस्कार की स्थापना 1994 में हुई। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र खेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1994 में। यह पुरस्कार ऐसे खिलाड़ी खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसमें विगत वर्षों में न्यूनतम 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल करवाया हो। 1897 में स्थापित मध्य प्रदेश का एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। राज्य के मूल निवासी को दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई। मध्यप्रदेश शासन का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम है। मध्यप्रदेश शासन का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार आपका विक्रम पुरस्कार है जिसके विजेता को 1,00,000 नगद, ब्लेजर, टाई प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र आदि दिए जाते हैं। प्रवास जोशी खेल पुरस्कार मलखम के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई। ये पूछा जाता है कई बार, प्रभास जोशी खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखम के क्षेत्र में। कब हुई इसकी शुरुआत? 2013 में। महिला हॉकी में प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ग्वालियर में जुलाई 2006 में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर सतगढ़ी में सर्व सुविधा युक्त खेलगांव को स्थापित किया गया। यह प्रदेश का पहला खेलगांव होगा। ठीक है, सितंबर 2006 में प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बड़ी झील के जल क्रीड़ा केंद्र पर देश के पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अर्जुन अवार्ड एवं विक्रम अवार्ड से पुरस्कृत मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी आपकी संध्या अग्रवाल हैं। 1998-99 में मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी में उप विजेता रही थी जिन्होंने टीम के कप्तान चंद्रकांत पंडित थे। सीता साहू, रीवा निवासी सीता साहू ने स्पेशल एंथिस ओलंपिक 2011 में 200 मीटर व 1600 मीटर में 2 कांस्य पदक जीते थे। पानसिंह तोमर, इनका नाम याद रखिए। यहाँ मुझे लगता है कि समर कुछ भी करवा सकता है, कब बदल जाए कब क्या हो जाए कुछ पता भी नहीं चलता है। पानसिंह तोमर एथलीट खिलाड़ी, पूर्व सैनिक एवं बागी। ये एथलीट खिलाड़ी भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं और बागी भी बने थे। इनका जन्म मुरैना जिले के ओरसा के निकट भिड़ौसा नामक जगह पर हुआ था। इन्होंने 1958 के एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा ये 7 बार बाधा दौड़ के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके। लंदन ओलंपिक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह हॉकी से थे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के साथ साथ प्रदेश की खेल राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। किसे? इंदौर को, व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी। बात कर लेते हैं मिशन ओलंपिक 2020 योजना। मंत्री परिषद ने प्रदेश में ओलंपिक गेम्स 2020 में प्रदेश के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के उद्देश्य मिशन ओलंपिक 2020 नामक नवीन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जनवरी 2013 को युवा पंचायत में की थी। मिशन ओलंपिक के लिए मार्शल आर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग का चयन किया गया है। योजना में न्यूनतम 9 वर्ष की उम्र से चयनित प्रतिभावान खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों को की सेवा ली जाएगी। प्रत्येक खेल के लिए 4 पुरुष 4 महिलाएं खिलाड़ी, शूटिंग के लिए 6 खिलाड़ी का अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को चिन्हित विदेशी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्ष में से किसी 1 वर्ष 2 माह के लिए देश में चिन्हित प्रशिक्षण खिलाड़ियों संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 1 माह के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए फिटनेस ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट,
मसाजर के नए पद भी सृजित किए जाएंगे। बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी ये आपके खेल हैं और इनसे संबंधित खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉकी खेल। हॉकी में आपके मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं मास्टर रजोदिया, संतूराम, चाम्या लाला, असलम शेर खां, गेंदालाल, गुलाम रसूल, शिवेंद्र सिंह, दुर्गवाला पवार, शिवाजी पवार, समीरदार, मुन्ना सिंह, मधु यादव, पूर्व कप्तान भारतीय कप्तान भी रही हैं, किशन लाल, एनसी यादव, महबूब खान, इनामावर रहमान, सैयद इमरान अली, कबीर अंसारी, जलील अहमद, जलाउद्दीन, दाऊद रहमान, कमलजीत कौर, शंकर लक्ष्मण, सुनीता चंदा, प्रियंका बानखेड़े, नेहा सिंह, करिश्मा यादव। अब बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से संबंधित आपके मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं कैप्टन मुश्ताक अली। विदेश में शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे कैप्टन मुश्ताक अली, भगवान दास, नरेंद्र हिरवानी, संध्या अग्रवाल, विजय नायडू, सी के नायडू, संजय अली, रमेश भाटिया, सुबोध सक्सेना, राजेंद्र निगम, चंदू सरवटे, राजेंद्र चौहान, बिंदेश्वरी गोयल, ईश्वर पांडे, सुखदा निगोड़कर, अमय खुरासिया, हीरालाल गायकवाड़, अमिताभ विजय बगिये, कुमारी राजेश्वरी डोलकिया, संध्या जैन, मंसूर अली खान पटौदी, आवेश खान, नमन ऊजा, श्वेता मिश्रा, अशोक जत्ताले। फिर है आपके बैडमिंटन, सी डी देवरस, प्रणव बोस, सीमा भंडारी, चार बार राष्ट्रीय विजेता, 6 बार उबेर कप में भाग लिया इन्होंने, पार्थो गांगुली, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स विजेता हैं, सरोजनी आप्टे, 6 बार राष्ट्रीय विजेता हैं, अशोक सेंधा, वी एम कपाड़िया, कुमारी एम तांबे, सौरभ वर्मा, गौरव मुच्छाल निषत। फिर हैं आपके टेनिस खिलाड़ी, जाल गोदराज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध हैं जाल गोदरेज, रिंकू आचार, जूनियर एवं सीनियर राष्ट्रीय विजेता रही हैं, रीता जैन, जूनियर राष्ट्रीय विजेता, स्निग्धा मेहता और पूजा शर्मा। फिर आपका फुटबॉल, फुटबॉल में एम्ब्रोस, तरसेम, हफीज, पहला दहीर, डी सेना, राजीव सैनी। शतरंज की बात करें तो रफीक खान मध्य प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर थे, एम चंद्रशेखर, एन सुधाकर बाबू। फिर कुश्ती आपका, पप्पू यादव, विश्व के जूनियर स्वर्ण विजेता हैं, गामा पहलवान, कृपा शंकर पटेल, एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य विजेता रहे रामचंद, हिंद केसरी खिताब जीता इन्होंने, एन पी यादव, दयाल यादव, सुषमा सरयाम, पुष्पा विश्वकर्मा, रूपाली दुबे। खो खो खेल के खिलाड़ियों की बात करें तो नीलिमा सरोलकर राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं, सुषमा सरोलकर, अमृता तिवारी, अपर्णा तिवारी, पंकज देशपांडे, नीलिमा पोक्चे। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की बात करें तो रेखा चौधरी, लक्ष्मी जाटव, सैयद अली। तैराकी बजरंग प्रसाद 6 बार लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहे, सोनल सिसोदिया, रोहित एमोलिया, 19वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था इन्होंने, शुभम उपाध्याय, भाविका पिंगले, सत्येंद्र सिंह, ऋचा मिश्रा, अरुण डिसूजा। जूडो की बात करें तो कमला रावत, संगीता शर्मा, सिद्धानंद यादव, परदीप विश्वकर्मा, दीपक ठाकुर। टेनिस की बात करें तो ऐश्वर्या अग्रवाल। हैंडबॉल की बात करें तो गुरुदीप सिंह, सबना कुरैशी, गुरप्रीत कौर ढिल्लन। बुसू की बात करें तो साक्षी जाटव, मनीष भास्कर, अंकिता रेगवाल, विजेश धोर रेटे इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। बात करते हैं मलखम, क्या है मलखम? हर्ष यादव, चिंतामण कश्यप, यशोदा मदारिया, कन्हैयालाल ममोडिया, चंद्रशेखर चौहान, अजय बख्तारिया। शूटिंग की बात करें तो वर्षा वर्मन, शालिनी संकत, प्रियांशु पांडे। कायाकिंग कैनोइंग की बात करें तो चंपा मोर, कुलदीप की,
अंजलि वशिष्ठ, सुनील केवट, कीर्ति केवट। बॉक्सिंग की बात करें तो सरिता तोमर, अंजलि शर्मा। ताइक्वांडो की बात करें तो अर्जुन सिंह रावत, शुभम मगरदी, अनिल रजक। सॉफ्टबॉल की बात करें तो नीलू गौड़, केतन हतुनिया, पूजा पारखे, सविता पारखे, सचिन कस्तूरे। कराटे की बात करें हम लोग, सुप्रिया जाटो, निधि ननेट, अजय यादव। स्नूकर की बात करें तो कमल चावला, अमनी कामनी। सेलिंग की बात करें शेखर गर्ग, अमन ब्यास, सिद्रा सबीर। ये थे आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, उनके खेल। ठीक है, याद रखिए, अब हैं आपके महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम लोग 2019 का पूरा करंट अफेयर्स बात कर चुके हैं। एक ही लेक्चर मिल जाएगा आपको, एक ही लेक्चर में आपके पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट रहेगा। वो है आपका सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से, जो आपका प्लेलिस्ट सूची है उसी में डला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश 2019 का पूरा करंट अफेयर्स, तो वहाँ से देख लें। ये पुराने आंकड़े हैं, इनका कोई हमें मतलब भी नहीं है, ना पूछे जाएंगे आपसे इससे। ठीक है, तो आपको वहाँ जाकर देख लेना है। चलिए अब हम लोग कुछ मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार देख लेते हैं। विक्रम पुरस्कार, इसमें 1,00,000 राशि दी जाती है। ये राशि आपकी बदलती रहती, तो आपको राशि नहीं याद रखना है। करंट अफेयर से जुड़े रहोगे तो वहाँ आपको राशि पता चलती रहेगी कि कितनी मिल रही, लेकिन ये याद रखना है विक्रम आपका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मध्य प्रदेश का। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार, ये 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है, मध्य प्रदेश के निवासियों को। विश्वामित्र, उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हासिल करवाया हो। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता, सीनियर वर्ग में 2,00,000 रुपये स्वर्ण पदक विजेता को और जूनियर वर्ग में आधी राशि दी जाती है। ठीक, कैप्टन रूप सिंह, क्या है कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये आपका किसी भी विधा के सेवानिवृत्त खिलाड़ी को दिया जाता है। खेल व्यक्ति, 19 वर्ष से कम आयु के युवकों को दिया जाता है खेल वृत्ति। और प्रभाष जोशी, हम लोग बात कर ही चुके थे, प्रभाष जोशी जो आपका खेल पुरस्कार है ये दिया जाता है मलखम के खिलाड़ियों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में। ये संस्थाएँ आपका, ये स्थान है उनका, ये स्थापना वर्ष है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ये आपका भोपाल में स्थापित है, इसकी संस्था का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई खेल एवं युवा कल्याण विभाग की, 1975 में। पारसी क्लब आपका इंदौर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जबलपुर में है, स्थापना हुई थी जबलपुर में, वर्तमान में इंदौर में है। 1940 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना जबलपुर में हुई थी लेकिन वर्तमान में इंदौर पहुंच गया, 1957 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में है, 1941 में इसकी स्थापना हुई। मध्य भारत महिला हॉकी अकेडमी आपका ग्वालियर में है, 2006 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, ये भोपाल में आपका 1975 में स्थापना हुई। महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन, ये जबलपुर में है। न्यू मध्य प्रदेश वीमेन हॉकी एसोसिएशन भोपाल में है। भोपाल हॉकी एसोसिएशन, हॉकी पुरुष हॉकी, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन पुरुष, ये भी आपकी जबलपुर में। अब बात कर लेते हैं प्रमुख स्टेडियमों के बारे में, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कहाँ है ये स्टेडियम। तो आपको याद रखना है ऐशबाग स्टेडियम एस्ट्रो टर्फ सुविधा, ये आपका भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम आपका भोपाल में है। नेहरू स्टेडियम आपका इंदौर में है। अभय खेल विशाल या स्टेडियम आपका इंदौर में है। होलकर ऊषाराजे स्टेडियम आपका इंदौर में है। रोप सिंह स्टेडियम दुधिया रोशनी सुविधा वाला ग्वालियर में है।
तत्या टोपे जर्मन टैग सुविधा ये आपका भोपाल में, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में, रानीताल स्टेडियम आपका जबलपुर में, ठीक है याद रखिए। फिर है आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख अकेडमी, क्या है मध्य प्रदेश की प्रमुख अकेडमी अकादमी, खेल अकादमी है और ये अवस्थित ही इनका। हॉकी अकादमी आपकी भोपाल में है, क्रिकेट अकादमी आपकी भोपाल में है, शूटिंग अकादमी आपकी भोपाल में है, मार्शल आर्ट अकादमी आपकी भोपाल में है, एक स्टेल अकादमी आपकी भोपाल में है, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी आपकी भोपाल में, टेबल टेनिस अकादमी आपकी इंदौर में, टेबल टेनिस अकादमी आपकी इंदौर में, मलखम्ब जिम्नास्टिक अकादमी आपकी उज्जैन में, मलखम्ब और जिम्नास्टिक अकादमी आपकी कहाँ है उज्जैन में, साइकिलिंग अकादमी आपकी जबलपुर में, साइकिलिंग अकादमी आपकी जबलपुर में याद रखिए। और एक दो और हैं, वेट लिफ्टिंग अकादमी आपकी कहाँ है जबलपुर में, वेट लिफ्टिंग अकादमी आपकी जबलपुर में, तीरंदाजी अकादमी आपकी जबलपुर में, कहाँ है जबलपुर में, तो याद रखना है ये आपकी जबलपुर में। तो ये था आपका मध्य प्रदेश का खेल परिदृश्य वाला चैप्टर, ठीक है, क्या था खेल परिदृश्य। आगे हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो पंचवर्षीय योजना है कार्यक्रम रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, पंचवर्षीय कार्यक्रमों के बारे में।